अभी मैं मौजूद हूं पश्चिमी चंपारण जिले के बैरिया प्रखंड अंतर्गत पुजहा परचिरुवा गदिया है। ऑल इंडिया गदी समाज के तरफ से गदी दिवस मनाई गई है जो 31 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है और इस साल भी ये लोग मनाए हैं। यहाँ पे ऑल इंडिया गदी समाज के कुछ पदाधिकारी लोग हैं और गदी समाज के कुछ लोग भी हैं। हम इन लोग से जानने की कोशिश करेंगे कि ये आज जो गदी दिवस मना रहे हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और क्यों मनाई जाती है। सबसे पहले यहाँ पे एक साहब है, क्या नाम हुआ सर आपका? मैं हसरुद्दीन गद्दी। अच्छा, ये बताइए कि आज जो ये गदी दिवस मनाया है इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, गद्दी दिवस तो हम अपने गद्दी जो ऑल इंडिया गद्दी समाज है इसकी स्थापना दिवस के रूप में आज 31 दिसंबर को गद्दी दिवस मना रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो हमारा जो समाज है जो बहुत चीजों से वंचित है उससे लोगों को जागरूक करने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमारा जो समाज में शिक्षा का स्तर बहुत नीचे है, रोजगार व्यवसाय हर मामले में बहुत सारी ये कमियां है जिसको हम लोग उस कमियां को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं इस मंच के माध्यम से और गद्दी दिवस को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। अच्छा, ये इस ऑल इंडिया ये जो संगठन है ऑल इंडिया गद्दी समाज, इसमें आप क्या है? जी, मैं पश्चिमी चंपारण का महासचिव हूँ ऑल इंडिया गद्दी समाज से। तो यहाँ पे ये महासचिव साहब थे, ये अपना बात बताए, और यहाँ पे जो है बैरिया प्रखंड के अध्यक्ष साहब जो ऑल इंडिया गद्दी समाज के अध्यक्ष है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम गद्दी हुआ। अच्छा, ये बताइए कि ये जो ऑल इंडिया गद्दी समाज जो आज आप लोगों ने यहाँ पे गद्दी दिवस मनाया, यहाँ पे आप लोगों ने किन किन मुद्दों पर चर्चा की? देखिए, सबसे पहले हमारे गद्दी समाज जो है, हमारी जाति जो गद्दी है, मुस्लिम वर्ग में आते हैं, धर्म जो है मुस्लिम है, ये लोग है आर्थिक रूप से पिछड़े है, सामाजिक रूप से पिछड़े है और शैक्षिक रूप से पिछड़े है। इसमें हम लोगों को जागरूक करते हैं और ये एक दिवस है जो बहुत दिनों से हमारा चला रहा है गद्दी दिवस, और हर साल 31 दिसंबर को ही मनाया जाता है और हम लोग इस दिन को मनाते हैं और अपना खुशी जाहिर करते हैं सभी जाति के लोगों को और अपने जाति की बिरादरी को हम मुबारकबाद देते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम बरकात अहमद हुआ। आप इस संगठन में क्या है? ऑल इंडिया गद्दी समाज का प्रदेश का महासचिव। अच्छा, ये बताइए महासचिव साहब, ये जो संगठन बनी कब बनी और क्यों बनी, इसका मेन उद्देश्य क्या था संगठन को बनना? राष्ट्रीय लेवल पे बात करें तो हमारे संगठन की स्थापना 31 दिसंबर 1983 में हुआ है और बिहार में उसको 1990 में लाया गया है। जो हमारा बिहार का जो सबसे पहली कमेटी बनी थी, प्रदेश कमेटी जिसे कहते हैं, वो 1990 में बनाई गई थी और तब से लेकर के आज तक ये सिलसिला जारी है। हम लोग गद्दी दिवस के रूप में 31 दिसंबर को मनाते हैं। अच्छा, मतलब इस संगठन बनाने का उद्देश्य आपका? मेन संगठन बनाने का उद्देश्य है कि हमारी जाति जो है, जैसा कि हमारे भाई ने कहा था अभी, कि मुस्लिम वर्ग में आते हैं हम लोग और मुस्लिम वर्ग में गद्दी जाति जो है जिनका राजनैतिक रूप में, शैक्षणिक रूप में और आर्थिक रूप से देखे तो काफी पिछड़ा हुआ है। तो हमारे इस संगठन का एक उद्देश्य है कि हम अपने सोसाइटी के, हमारे समाज के लोगों को स्तर को काफी ऊपर ले जाएं और जागरूकता पैदा करें। संगठन का दूसरा इंपॉर्टेंस ये है कि आजकल सोसाइटी में शादी ब्याह के मसले पे बात करें तो काफी बुराइयां हैं, नाच बाजा से लेकर के दहेज तक की बात करें तो इन सब चीजों से कैसे समाज को वंचित किया जाए, इस पे रोक लगे, ये उद्देश्य है। और सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हमें जो सरकारी स्तर से देखा जाए तो जो कैटेगरी बनाई जाती है बीसी, बीसी वन, एबीसी, उसमें मुस्लिम में गद्दी जाति सबसे पिछड़े स्तर पे है। बहुत सारे हमारे बड़े लोगों का, जैसे रिटायर्ड जज वगैरह का है, उनका जो मतलब होता है ना गांव में घूम करके और पता करना, सर्वे करना, तो उस रिपोर्टिंग के आधार पे हमारी गद्दी जाति को जो एसटीएससी है उनसे भी नीचे के पायदान पे रखा गया है। तो हम इस संगठन को मजबूत करेंगे और मजबूत करने के बाद हम सरकार से डिमांड करेंगे कि हमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाए, जिससे हमारे समाज की जो शैक्षणिक लेवल है या सामाजिक तरह जो बुराइयां है वो खत्म हो सके, शिक्षा में आगे बढ़ सके। जब तक हमें कुछ आरक्षण नहीं दिया जाएगा, जो लोग पढ़ रहे हैं उनको नौकरी वगैरह नहीं मिलेगी, तब तक हमारे पीछे की जो जनरेशन होगा वो आगे नहीं बढ़ सकता है। अच्छा, तो यहाँ पे ये महासचिव साहब का मेन उद्देश्य है कि जो हम लोगों का यानी गद्दी बिरादरी के लोगों का जो पिछड़ापन है वो शिक्षा में भी है, राजनीतिक में भी है और बहुत से क्षेत्रों में गद्दी जाति के पिछड़ापन का कारण है जो आज ये लोग पिछड़ेपन के शिकार है और ये लोग चाह रहे हैं इस संगठन के माध्यम से और इस आज जो गद्दी दिवस मनाए इसके
जरिए इस समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, और इसलिए ये लोग यहाँ पे आज ये गद्दी दिवस मनाया। और यहाँ पे आइए, यहाँ पे एक भूतपूर्व मुखिया इस पंचायत के हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस संगठन के बारे में इनका क्या विचार है और ये क्या कहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संदल गद्दी, उत्तरी परजिड़वा, भूतपूर्व मुखिया। अच्छा, इस संगठन के बारे में आपका क्या विचार है? ये विचार है, हमारे बिरादरी जो है, हम चंपारण के रहने वाले हैं, प्रखंड बैरिया के रहने वाले हैं। हम पहले बहुत दिनों से हमारी उम्र ज्यादा हो चुका है, लेकिन इस माध्यम से बिरादरी के तरफ बढ़ाने के लिए, ये कैसे हमारे बिरादरी के लोग पीछे हैं, उसको आगे कैसे चलाएं, इसके चलाने के लिए मेरा बड़ा उत्सुक है, इसको आगे हमको बढ़ाएं। देखिए, यहाँ पे जो भी लोग हैं, इन लोगों का मेन उद्देश्य है कि इस समाज को आगे किया जाए, ताकि शिक्षा क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में आगे आकर इस समाज का नाम रोशन करें, जो आज ये पिछड़ेपन का शिकार है। ये समाज जो ऑल इंडिया गद्दी समाज के बैनर तले और इस संगठन के माध्यम से ये सबको, इस गद्दी जाति और गद्दी समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और जिसके वजह से ये लोग अपने इस संगठन के स्थापना दिवस पर आज गद्दी दिवस मनाए हैं। तो चलिए, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।